सकता आप मैंने अपने दिल की बात ना बताओगे, लेकिन आज आज मैं आपको अपने दिल की बात बता के ही रहूंगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बताना कोमल कहाँ है? विक्रम सर से मिलने गई है। क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा छोड़िए ने। इससे तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। बाबू ये क्या कर रहे हो तुम? विक्रम, विक्रम, छोड़ इसे, विक्रम, छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ इसे, विक्रम, 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 क्यों मार रहे हो उसे? ये बिगाड़ा इसने आपका? मेरा नहीं, तुम्हारे बाप का बिगाड़ा है, विजय चौटाला का बिगाड़ा है। मैं उन्हीं की छोरी हूँ, मैं कह रही हूँ, इसे छोड़ दो। मजाक मत करो मेरे साथ। तुम कितना भी चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आरने अंकल, आप क्यों वहां खड़े हो? आप तो कुछ कीजिए ना, ये इसे जान से मार देगा। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और मेरे पापा को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा तुम्हें। कमाल है आपका भी। अरे इसका भुड़ता बनाने के लिए आपके बापू ने ही कहा है, अगर मैंने इसकी फाइल नहीं निपटाई ना तो मेरी निपटा देंगे। बाबू जो काम हाथ में लेता है उसे तमाम करके ही छोड़ता है। तुम्हें मेरे बापू ने कितने पैसे दिए? उससे ज्यादा पैसे मैं दूंगी, लेकिन भगवान के लिए इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती ना है। मैंने बुलाया था इसे मिलने के लिए, ये ना आया था। जो सजा देनी है मरने दो, इसे कुछ ना करो। अच्छा तो अपने बापू से कहलवा दो, इसे छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, नहीं नहीं, छोड़ दे उसे, मैंने कहा छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, मैंने कहा कोमल, क्या किया, क्या किया तुमने? विजय चौटाले की बेटी को मार डाला। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी वजह से सारा मचांड हुआ है, पहले तेरा ही टेप रिकॉर्ड बंद करता हूँ। आवाज कैसी है?
इसका क्या करना? उठा के फेंक दिखाई मैं, चल। लोग ना बहुत तकल्लुफ कर रहे हैं, कुछ तो लीजिए ना, ये मिठाई लो ना बेटा। हाँ सही कह रही है। अरे कुछ लीजिए वरना आपको शांता का पता ना है, ये पैक करके दे देती है, वेस्ट ना होने देती। ये मुंह में पैक कर लीजिए। आपकी बात सही है, आप भी लीजिए। अरे चौहान साहब ले लीजिए, आपके बाने हम भी खा लेंगे, वरना इस घर में सेहत का बहुत ख्याल रखा जाता है, मीठा पड़ता ही ना। सुशील जी इस मामले में मैं आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली। अच्छा वो कैसे? हमारी श्रीमती जी मीठे की इतनी ज्यादा शौकीन है कि जब वही इतना ज्यादा खाती है तो हमें कौन रोक सकता है। ये भी सही है। रहने दीजिए, हमारा नाम लेके ये हमसे दुगना खा जाते। ठीक है जब तुमने कह दिया है तो यही सही, लाओ एक लड्डू और लाओ। जब इल्जाम लग गया है, सजा मिल गई है तो जुर्म कर ही लेते। हाँ बिल्कुल, जुर्म कर दिया है तो कत्ल भी कर ही दीजिए। एक और लीजिए। देखा शांता जी, इन्हें तो बस बहाना चाहिए। अरे बेटा तुम भी लो, तुम्हारी तो उम्र है खाने पीने की, तुम्हारी उम्र में तो पूरी प्लेट साफ कर देता था मैं। जी अंगा। क्या पसंद है तुम्हें मीठे में? लड्डू तो पसंद होंगे ही ना? मारे छोरे को तो नमकीन पसंद है। हाँ नमकीन। अच्छा अब नमकीन में क्या पसंद है? सेव पसंद है, दाल मोठ, पानी के पताशे, कचौड़ी, ये पसंद है। बोल तो मंगवा देता हूँ अभी। अरे नहीं भाई साहब, आपने पहले इतना सब कुछ सामने रख दिया, इतना तो कोई अपने खाने पे भी ना खाए। हाँ अरे आप पहले भारतीय हैं जो खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं भाई, हैं? इसलिए आप खा लीजिए। इसलिए आप भी जो है भिगो भिगो के मारते हो। आपको ये सब लिखना चाहिए। लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ जवान साहब, और एक किताब जल्दी आएगी। अरे सोचिए मत, सोचिए मत, लिख डालिए, आप में वो बात है। अरे बिल्कुल निकालूंगा और विमोचन आपसे ही कराएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो कब से जेठ जी को ये कहती आ रही हूँ कि कुछ लिखिए कुछ लिखिए, शायद आपके बोलने पर वो लिख ही दे। सब आपका बेटा एकदम चुप चुप रहता है, मतलब ये आज ऐसा है या ऐसा ही? ना जी, बहुत बोलता है ये। हाँ अच्छा तो बेटा क्या हॉबीज क्या हैं? मतलब हॉबीज मारा मतलब है कि शौक क्या है? अब जी आदत तो सुबह देर तक सोना, रात को देर तक जागना और दिन में 4 बार नहाना। अरे सुशील जी ये तो मजाक करने की इसकी आदत है, जब भी इसको टाइम मिलता है खूब खेलता है। इसकी भी आपकी तरह आदत है बात को घुमा फिरा कर कहने की। अच्छा वाह भाई, तुम तो हमारी बिरादरी के निकले। ये तो अच्छी बात है, हमारी बिरादरी का कोई तो मिला। हाँ
क्या बात है विजय बाबू, सब ठीक है ना? आप ये ठंडा ही पीजिए। कोमल कुछ ज्यादा ही टेम लगा रही है, इसीलिए विजय का मूड खराब। कुछ चक्कर है, मैं देख के आता। सरोजनी आज इस घर में चल के रहा है, है? इतनी देर से लड़के वाले नीचे बैठे हैं, कोमल कहाँ है? तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? अब बापू दरअसल वो बात ये कि अरे क्या वो लगा रखी है? अरे इतनी देर से मेहमान बैठे हैं, मैं बेकार के चुटकुले सुनाए जा रहा हूं उन्हें। साफ साफ बताओ बात क्या है। पापू कोमल यहाँ ना है। क्या कोमल यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अब ये तो आपको सरोजनी बता सकती है। क्यों तुझे बताते शर्म आ रही है क्या? तू ही बता कहाँ है? वो कोमल विक्रम सर से मिलने गई है। तुम दोनों का दिमाग ठीक है? सही जगह पर है? नीचे लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं और वो मतलब यही मुहूर्त मिला था उसे। साफ साफ बताओ बात क्या है। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है भाई राज? बाबू दरअसल मामड़ा प्यार का है। मतलब मैं समझाना। बाबू कोमल अपने हॉकी कोच विक्रम सर से प्रेम करती है। लेकिन वो ये ना जानती कि विक्रम सर भी उससे प्रेम करते हैं कि ना करते। अच्छा अब समझ में। वो ये देखने गई है कि वो छोरा भी उसे प्यार करे है कि नहीं, वो भी उस समय जब लड़के वाले नीचे बैठे उसका इंतजार कर रहे। वाह, अपने घर खानदान की इज्जत को निलाम कर। पूछ सकता हूँ किसकी इजाजत से गई? पापा वो इतनी मिन्नतें कर रही थी कि मैं मना नहीं कर पाई। वाह शाबाश शाबाश, क्या जिम्मेदारी निभाई है तुमने। वाह पूछ सकता हूँ किसके साथ गई? मंदिर जा रही थी तो मैंने ही उसे कहा कि माँ के कार के डिक्की में छुपकर चली जाए। और बापू जब सरोजनी ये बात मारे को बता रही थी तब अचानक विजय चाचू आ गए और उन्होंने भी ये बात सुन ली। हो गया बेड़ा, तभी उसका चेहरा तमतमाया हुआ। अरे राज बहू तो नहीं है पर थारे से उम्मीद न थी। घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तूने मुझे कानों का खबर ना होने दी। हद हद है। शांता जी कोमल बेटी आ रही है ना? जी आती होगी, पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही। आप कुछ खाइए ना। कोमल कहाँ? अरे आप
ये बात मारे से पूछ रहे हैं, मारे से अपने छोरे से पूछ रहे हैं कि उसकी हीरोइन ने कहां भगाया उसे। तमीज से बात कर, वो इस घर की बहू है। बहू? अरे बहू जैसा एक लक्षण ना है उसके अंदर। अगर एक भी लक्षण होता ना तो हमारी कोमल को भागने ना देती। एक मिनट, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कोमल तो ऊपर तैयार हो रही है। अरे बावली है तू, तेरे कुछ भी ना पता। अरे भाग गई वो अपने यार के साथ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई यार वार ना है हमारी बेटी का? खबरदार जो उस पर ऐसे फालतू के इल्जाम लगाए। छोटी माँ, चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोमल विक्रम सर से मिलने गई है। सरोजनी, छोटी माँ ये ठीक कह रहे हैं। कह रही पर तूने तो खुद कहा था कि तू उसे तैयार कर रही है। अरे इसीने भगाया उसे, इसीने भगाया उसे। जैसे ये खुद भाग के आई थी हमारे घर में, ऐसी इसने उसे भगा दिया यहां से। भाई साहब को बोला था मैंने, बोला था कि ये बहू मत बनाओ इसे, लेकिन मारी तो सुनी ना, बना लिया बहू। अब देखो मारी छोरी के साथ क्या किया इसने। अरे कुछ तो शर्म कर, मेहमान बैठे हैं, उसने ना भगाया। मिन्नत की तेरी छोरी, कसमें दी, क्या करती बेचारे, मजबूर हो। मां छोकरी कहीं भाग गई है, लगता है अपने यार से मिलने गई है, क्या करें। क्या बोला तू, क्या बोला? खबरदार जो हमारी छोरी के बारे में एक लफ्ज भी निकाला अपने मुंह से तो गोली मार दूंगा तेरे। अभी तक तो थारे होंठ गोंद से चिपके हुए थे और अभी बोलने लग गया है? चुपचाप मुंह पे उंगली रख के खड़ा रहे, कसरत करने की जरूरत ना, समझ गया? शांत हो जाइए जी, हो सकता है वो जेठानी जी के साथ मंदिर गई हो, आती ही होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। जेठानी जी, जेठानी जी, कोमल कहाँ है? कोमल, कौन मारे साथ ना आए, मैं तो मंदिर गई थी। क्यों, क्या हो गया, ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे छोटी माँ, कोमल, 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 सरोजनी कहाँ है कोमल, कहाँ है बेटा? तूने तूने उसे भेजा था ना, कहाँ गई, कहाँ गई कोमल? चाची, उसे कहा तो था कि वो आ जाएगी, पर आई नहीं है। आ जाएगी तो कहाँ गई बेटा, तुम लोगों ने उसे कहाँ भेजा? अच्छा तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, मैंने बता दो, यहाँ कोई ना है, मैंने बता दो कोमल कहाँ गई बेटा, बता बता। चाची सच में मुझे कुछ नहीं पता। कोमल,
चली गई? जठाने जी के साथ भी नहीं है तो कहाँ गई? घर में ही कहीं छुप गई होगी, बचपन में भी ऐसे ही करती थी। हाँ, मैं घर में देखती हूँ। विजय जी, हम लोग चलते हैं। कहाँ निकलते हैं आप लोग? आप रुकिए, कोमल को देखे बिना मत जाइएगा। मैं अभी उसको बुला के लेकर आती हूँ। मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। कोमल, जी के कमरे में होगी। हाँ, गई। आप लोग अभी तक खड़े? मैं भूल गई थी, कोमल का कमरा ना ऊपर है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। आप लोग बैठिए, मेहमान ऐसे खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। बैठिए बैठिए आप लोग, मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ, कोमल कोमल बेटा, कोमल कोमल बेटा, कहाँ चली गई? मुझे सब इंतजार कर रहे हैं। राज के कमरे में एक बार देखती हूँ, हो सकता है वहां। कहाँ चली गई लड़की? बड़े बताया बेड़ी, यहाँ बेड़ी है। सरोजनी बेटा, वो तेरे साथ थी ना, कहाँ है? कहाँ गई कोमल? अच्छा जेठानी जी, वो आपके कमरे में है ना, आपके कमरे में है ना वो? शांता, संभाल अपने आप को, हमारे कमरे में ना है कोमल। आपको पता ना होगा, वो छुप गई होगी। मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ उसे। मैं अभी लाती हूँ। अगर मारी छोरी को कुछ हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं थारा चाहता हूं। अच्छा आप भूल जाओगे? अरे आपको याद ही कब है? अगर आपको याद होता कि मैं आपका भतीजा हूं, तो आप मारे से इतनी बदतमीजी से बात ना करते। अरे सर, मैं क्या, कोई भी तमीज से बात नहीं करेगा।